नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जंग जग जाहिर होने लगी है। इसी बीच मनमुटाव की चर्चा को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। सपा कांग्रेस इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने में लगी है। अब यूपी बीजेपी में जारी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केशव प्रसाद की भूमिका को लेकर चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। सपा प्रमुख ने इस पोस्ट में किसी भी भाजपा नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की ये पोस्ट बीजेपी में पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही है। वहीं यूपी में मचे घमासान के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध दी है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार कई राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, उनमें सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश की है। ऐसा भी नहीं है कि ये चर्चा सिर्फ पार्टी के प्रदर्शन को लेकर है, चर्चा इससे कहीं और अधिक पार्टी के भीतर दो बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव को लेकर है। पार्टी का प्रदर्शन पहले ही ठीक नहीं रहा और जल्द ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली के नेताओं की टेंशन भी यूपी को लेकर काफी बढ़ गई है। अब इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश दिल्ली से हो रही है। पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग लगातार चल रही है। वहीं यूपी में खींचतान है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खबरें कह रही हैं, और इन्हीं खबरों का फायदा विपक्ष भी उठाता दिख रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की घटना को उत्तर प्रदेश में दोहरा दें, 100 विधायक लेकर अपने साथ आए, समाजवादी पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 और 2019 जैसे प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई और इंडिया गठबंधन से कम सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद से हार के कारणों पर पार्टी में लगातार चर्चा हो रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में सूबे में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाली भाजपा में अब कोई नहीं है। भाई यूपी में कुछ तो पक रहा है, इसका अंदाजा उथल पुथल से भी समझा जा सकता है। सबको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का डर सताने लगा है। शायद यही वजह है कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह रायबरेली के बछड़ावा सीएससी पहुंचे और छापा मारा, जहां जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलकर सामने आ गई। सीएससी पहुंचते ही डिप्टी सीएम ने खड़े होकर डॉक्टरों की हाजिरी लगवाई, जिसमें 11 डॉक्टर गैर हाजिर मिले तो जमकर फटकार लगाई। तो कुल मिलाकर सभी ने अपने हलचल यूपी में तेज कर दी है। अब इसकी वजह है सियासी घमासान या उपचुनाव, फिलहाल ये अभी नहीं कहा जा सकता। अब देखा जाए तो यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं के बीच मनमुटाव की चर्चा उस वक्त अधिक तेज हो गई जब केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और संगठन वाला बयान दिया। वैसे तो इसकी चर्चा उस वक्त से ही शुरू है जब मौर्य पिछले एक महीने में आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कई कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की चर्चा योगी के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में भी शुरू हुई है। पार्टी के इस कलह को जल्द दूर नहीं किया गया तो बीजेपी को आने वाले वक्त में और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात पता है, इसलिए जल्द ही यूपी को लेकर एक नया प्लान सामने आने की पूरी गुंजाइश है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।